इग्नू का नाम कौन नहीं जानता, बल्कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स तो इस यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई कोर्स भी कर रहे होंगे या आगे कोई कोर्स करने का प्लान बना रहे होंगे। तो इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो न्यू दिल्ली में स्थित है। आपको शायद पता हो कि इस यूनिवर्सिटी का नाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है और इसे 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है और इग्नू में स्टूडेंट्स का टोटल एक्टिव एनरोलमेंट 4 मिलियन से भी ज्यादा होने की वजह से ये दुनिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इतनी सारी खूबियों वाली इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको और भी बहुत कुछ जानना चाहिए, इसीलिए हमने वीडियो बनाया है और क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इग्नू के कोर्सेज और एडमिशंस के बारे में। इस यूनिवर्सिटी की खासियत है कि ये यूनिवर्सिटी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ODL मोड के जरिए हाई क्वालिटी एजुकेशन को ऑफर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है? ओपन यूनिवर्सिटी का गोल सभी को नॉलेज गेन करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाना होता है। ऐसी ओपन यूनिवर्सिटीज रिमोट एरियाज के स्टूडेंट तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाती है और ऐसे मेडिकली अनफिट कैंडिडेट्स को भी स्किल डेवलपमेंट ऑफर करती है जो डेली बेसिस पर क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हो या किसी भी कारण से वो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते हो, तो ऐसे स्टूडेंट आसानी से इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं और डिग्री भी ले सकते हैं। ऐसे में जॉब करने वाले कैंडिडेट्स भी आसानी से इस ओपन मेथड से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इस तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में एडमिशन लेने पर कोर्स ड्यूरेशन में रिलैक्सेशन भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 3 साल का कोर्स आप मैक्सिमम 6 सालों में पूरा कर सकते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद अब आगे इग्नू के बारे में बात जारी रखते हैं। इग्नू को पीपल्स यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका मोटो द पीपल्स यूनिवर्सिटी है। इग्नू की पढ़ाई का मेथड बाकी यूनिवर्सिटीज से काफी अलग है। इस यूनिवर्सिटी में क्लासरूम टीचिंग मेथड फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ की एजुकेशन सेल्फ स्टडी मटेरियल्स, काउंसलिंग सेशंस, फेस टू फेस और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के जरिए होती है। इस यूनिवर्सिटी के 67 यानी कि 67 रीजनल सेंटर्स हैं, 21 स्कूल्स और 29 यानी कि 29 इंटरनेशनल पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं। इतना ही नहीं, इग्नू के लगभग 2,665 लर्नर सपोर्ट सेंटर्स भी हैं। इस पब्लिक यूनिवर्सिटी में तकरीबन 228 कोर्सेज करवाए जाते हैं जिनमें सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा और डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी शामिल है। तो आइए ऐसे ही कुछ कोर्सेज के नाम जानते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करें तो सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर्टिफिकेट इन अरेबिक लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स, सर्टिफिकेशन इन कम्युनिकेशन एंड आईटी स्किल्स, सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पीजी एंड एडवांस डिप्लोमा की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट्स प्रैक्टिस। इसी के साथ बैचलर्स डिग्री की बात करें तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इन टूरिज्म स्टडीज, बीए इन वोकेशनल स्टडीज टूरिज्म मैनेजमेंट, बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन रिटेलिंग। आगे डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा इन बीपीओ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और मास्टर्स डिग्री की बात करें तो एमए इन डिस्टेंस एजुकेशन, एमए इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन ज्योग्राफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कंप्यूटर साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन रूरल डेवलपमेंट, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एमफिल की बात करें तो एमफिल इन डिस्टेंस एजुकेशन, एमफिल इन इकोनॉमिक्स, एमफिल इन ज्योग्राफी, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन कॉमर्स, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। पीजी डिप्लोमा की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल ऑपरेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन,
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग और पीजी सर्टिफिकेट में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ CBRNE डिजास्टर्स। पीजी एंड एडवांस सर्टिफिकेट की बात की जाए तो इसमें आते हैं एडवांस्ड सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एडवांस्ड सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन क्लाइमेट चेंज, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन गांधी एंड पीस स्टडीज। तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से किए जाने वाले कोर्सेज में से कुछ के नाम जानने के बाद अब जानते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। इग्नू के ज्यादातर प्रोग्राम्स में एडमिशन कैंडिडेट की क्वालिफाइंग डिग्री के स्कोर और मेरिट के बेस पर मिलता है। इग्नू के कोर्सेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेंट के क्वालिफाइंग एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कई तरह के कोर्स ऑफर करने वाला इग्नू साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में एडमिशन देता है। कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज जिनके लिए ओपन मैट एंट्रेंस टेस्ट होता है यानी कि OPEN MAT। बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एप्लीकेंट को नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। इग्नू में कैंपस प्लेसमेंट सेल यानी कि CPC भी है जो ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट कंडक्ट करती है। यहाँ बहुत सी रेप्यूटेड कंपनीज ग्रेजुएट और टैलेंट को हायर करने आती है, जैसे एक्सिस बैंक, जेनपैक्ट, IBM, विप्रो, HDFC एर्गो, शॉपर स्टॉप, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो दोस्तों, इसी के साथ इग्नू के बारे में सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी या फिर इग्नू से जुड़ी कोई और बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर शेयर करें। साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और ऐसी जानकारियों के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा क्विक सपोर्ट चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल मिस ना करें। धन्यवाद।